Assalamu alaikum once again. How was the mock? पास हो जाएंगे? पेपर पूरा अटेम्प्ट हो गया था, कुछ रह गया हो, किसी का 100% अटेम्प्ट ना हुआ हो, क्यों? तबीयत नहीं ठीक थी? कब से नहीं ठीक? सुबह से नहीं ठीक, टेंशन की वजह से? हाँ, अच्छा, बुखार है। हाँ जी, आपकी वैसे ही राइटिंग स्लो। तो कितने नंबर का अटेम्प्ट किया? 90 का। यहाँ से भी एक भाई थे। हाँ जी, रीज़न लेट आए थे। और आप में से कोई? हाँ नहीं, वो तो आपको नहीं ना आता होगा, इसलिए आपने छोड़ दिया ना। आता हो पेपर मगर कंप्लीट ना हुआ हो। तीन बच्चे और इनके अलावा कोई? ये एक अलमी है, पता, आई कैप में ऐसा नहीं करना। ये जो 3 घंटे की प्रैक्टिस आपसे करवाई जाती है, इसका मेन मकसद ये होता है कि आपको एक रिहर्सल से गुजारा जाए कि आप लोग कैसे आई कैप में जा कर परफॉर्मेंस देंगे, किस टाइम पे आते हैं, क्या वक्त पे आके बैठ रहे हैं, क्या आर्ली अप्रोच को फॉलो किया जा रहा है या नहीं फॉलो किया जा रहा, और फिर कंप्लीशन के वक़्त कि आपकी स्पीड मुनासिब रह रही है या बस आप डॉक्टर वाली राइटिंग में लिखते चले जा रहे हैं। एक भाई ने एक बात की, कहते हैं मेरी राइटिंग स्लो है। तो क्या ये प्रॉब्लम बचपन से ऐसी है? वैसे मैट्रिक से ही है, लेकिन मैंने पहले डी लॉ और टैक्स दिया, वो भी मुझसे ना 80-85 पास हो गए थे, मगर इसको हम लोग गारंटी तो नहीं ना कर सकते। तो कोशिश की है कि घर पे आप पूरा कोई भी एक आई कैप का पेपर पकड़ें, उसको 2.5 घंटे में सॉल्व कराएं। जो आपको मार्जिन मिल रहा है ना, कोशिश करेंगे 2.5 घंटे में करें, तब जाके आप आई कैप में 3 घंटे में वो पूरा कर पाएंगे, क्योंकि आई कैप के अंदर एक अपना ज़ाती एग्ज़ाम प्रेशर भी साथ हमें देखने को मिल रहा होता है। अच्छा जी, पेपर पे आते हैं और साथ साथ कुछ अप्रोचेस को डिस्कस करना है। ऑल्दो टाइम हमारे पास शॉर्ट है, तो थोड़ा सा हम इसको क्विकली लेके चलेंगे। पहले मैं आपको MCQs का ऑप्शन बता दूं, आप लोग उसको टिक कर लें, फिर आपसे पूछ रहा हूँ कि कितने आपके ठीक है, कितने आपके गलत हैं। पहला है चार्ली, फर्स्ट इज चार्ली यानी कि सी, नेक्स्ट टू बीटा, पहला चार्ली और सेकंड और थर्ड बीटा, फोर्थ अगेन चार्ली, फोर्थ अगेन चार्ली जी, फिफ्थ एंड सिक्स्थ बीटा, सेवंथ अल्फा, एट्थ डेल्टा, नाइन्थ डेल्टा, टेन चार्ली, इलेवन बीटा, ट्वेल्व चार्ली, थर्टीन डेल्टा, फोर्टीन्थ बीटा, फिफ्टीन्थ अगेन चार्ली। इसमें कोई प्रॉब्लम? कितने बच्चे मैदान में ऐसे बैठे हुए हैं जिनका 100% 15 से 15 ठीक है? मुझे दूरबीन लगा के चेक करना पड़ेगा। है कोई ऐसा जिसके 15 के 15 ठीक हो? नहीं नहीं, दाल नहीं गली। किसके 14 ठीक हो? थर्ड, दोबारा बताता हूँ, थर्ड बीटा। किसी के 13 MCQs ठीक हो? 13, गुड। और कोई 13 वाला कोई? किसी के 12 ठीक हो? गुड 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 गुड। 11, किसी के 5 से कम ठीक हो? हाथ आहिस्ता आहिस्ता खड़ा होता होता फिर नीचे चला गया। किसी के लेस देन 10, बहुत सारे होंगे। तो पहला पॉइंट नोट कर लें, MCQs विल लीड यू टू पासिंग द एग्जाम।
चीज़ें ना थोड़ी सी बस फास्ट पेस पे लिखते जाएं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है आपके साथ इसको डिस्कस करते हुए, ताकि आई कैप में वो आपके काम आए। एम सी क्यूज विल ऑलवेज लीड यू टू पास द एग्ज़ाम, क्योंकि ये फ्री के नंबर हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको एक चीज़ आती है और आपको आई कैप उसका आधा नंबर देगा। जब एक चीज़ आती है तो पूरे नंबर आपको वहाँ से अलॉट होंगे, मगर जब नहीं आता तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एम सी क्यूज़ की आपने प्रैक्टिस अच्छी खासी करनी है। कहाँ से करें प्रैक्टिस? रीसेंट जो 5 अटैम्प्ट्स हैं वो पकड़ें, आई कैप की बुक के जो पीछे एम सी क्यूज़ लिखे हुए हैं वो पकड़ें और उनको 2 दफ़ा प्रैक्टिस करें, नॉट जस्ट वंस बट ट्वाइस, ये लिख लें। उसके बाद मुझे बताइए, पेपर में जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर एग्जामिनर ने दिया या हमारे इन्विजिलेटर भाई ने दिया, तो सबसे पहले आपने क्या किया कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 से अपनी कहानी स्टार्ट की या कुछ प्लानिंग, कुछ अप्रोच लगाई? क्या अप्रोच थी वो? पहले क्रैमिंग। घंटे में आपका पास और फेल होना आपने डिसाइड करना। जितने ज़्यादा क्रैमिंग वाले सवाल आप अच्छे अटैम्प्ट कर लेंगे पहले घंटे या सवा घंटे में, सीलो में मार्जिन होता है, आप यकीन मानिए दिस विल लीड यू इन टू पासिंग द एग्ज़ाम। और अगर आप पहले सवा घंटे में सही से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे तो फिर आगे की मुश्किलात आपको आ सकती हैं। तो इस पेपर में कितने नंबर की क्रैमिंग थी आइए देख लेते हैं। आई अज्यूम कि हर वो बच्चा जो कि ये रिकॉर्डिंग भी देखेगा उसके हाथ में फिज़िकल पेपर होना चाहिए, और अगर फिज़िकल नहीं भी है तो उसने साथ PDF इसका लाजमी ओपन किया हो। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर कोई शक किसी को 3 नंबर के लिए? क्या हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर है? अजद पेपर एक्स्ट्रा देना। क्वेश्चन नंबर 11 पे किसी को शक आता था? 3 नंबर पक्के हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे कोई शक? 5 नंबर पक्के। अच्छा, उसके बाद ये मैं सिर्फ टाइप 1 कर रहा हूँ अभी। 7B, हाँ जी 7A और B। आपको पता है वाइंडिंग अप इज ऑलवेज क्रैमिंग, तो 12 जमा 3 15 जमा 5 20 जमा 3 स्ट्रेट अवे 23 नंबर। 23 में से कितने नंबर आप लोग अच्छी क्रैमिंग के साथ हासिल कर सकते हैं आसानी के साथ? 15 से 20 एक बड़ी अच्छी फिगर आई, एक बड़ी मॉडरेट सी फिगर आई है 15 से 20। मैं कहूँगा चलें 70% कर लेते हैं। तो व्हाट इज 70% ऑफ बच्चेस? 17, 18 कर लेते हैं। तो 18 नंबर स्ट्रेट अवे आप वहाँ से निकाल सकते हैं, और अगर आपने ज़्यादा अच्छा लिख दिया तो ये 18 बढ़ के 20-21 तक भी जा सकते हैं। चलें फर्ज करते हैं 18 और एक एवरेज बच्चे के एम सी क्यूज 12 तक तो ठीक होने चाहिए, तो 18 + 12 = 30। पहले घंटे में 30 नंबर निकाल लिए आपने, आपको मुबारक हो। कितने रह गए पास होने के लिए? 20। अब टाइप 2 देख लेते हैं। पेपर आप लोगों ने जब स्टार्ट किया तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने देखा, आपने कहा ये सवाल कहाँ से आया भला? मीटिंग से आया। क्वेश्चन 3 देखा, वो कहाँ से आया हुआ था? डायरेक्टर से आया था। आपने कहा था चलो मुझे चैप्टर 8 तो आता है, आता है ना, अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ये सोचा होगा कि आपको आता है। तो एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स, मीटिंग एक ऐसा चैप्टर है जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ऑल दो कॉन्सेप्ट उसमें अच्छे खासे हैं, मगर बच्चे को जब याद करने बैठ जाए तो उसको एक इंजॉय सा फील होता है कि यार हाँ ये चैप्टर मजे का है, लॉजिकल चैप्टर है। क्वेश्चन 4 देखा तो आपने कहा ओहो इतने ज़्यादा पार्ट्स आ गए, ये तो टाइम निकाल लेगा। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 5 रीड किया, आपको कुछ देखा देखा सा सवाल लगा, आपने कहा इस तरह के सवाल तो पास में भी आते हैं, आते हैं ना, इसका क्या किया क्वेश्चन नंबर 5 का? ये टाइप 2 सवाल था क्या? हाँ, क्या ये एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन थी? ये एक
नॉन कैश थी, और इसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले प्रायर अप्रूवल लेनी ज़रूरी है, और एक और काम करना होता है, वैल्यूएशन करवानी होती है किससे। तो ये चार नंबर के लिए चार बातें लिख देनी थी, मुश्किल सवाल तो नहीं था। इस तरह का सवाल आया कि आपने एग्जाम में बहुत दफ़ा टेस्ट किया, तीन चार दफ़ा तो गुजरा है। उसके बाद एक चैप्टर बड़ा आसान सा होता है, चैप्टर नंबर 7 मॉर्गेजेस का। तो आपने क्वेश्चन नंबर 6 देखा होगा और आपने कहा बस अब सारे पीछे पीछे हो जाओ, दूसरा घंटा शुरू हो गया, मैंने इस सवाल में से कितने नंबर हासिल करने हैं, 6 में से 6, क्योंकि ये वो चैप्टर है जो कि आपको मार्क्स देता है। 7 आपको मार्क्स देगा, 12 आपको मार्क्स देता है। आपको यहाँ बैठे पता है कि 12वें चैप्टर में से क्रैमिंग उसने लाजमी टेस्ट करनी है, तो उस चैप्टर को प्रिपेयर भी आपने कैसे करना, क्रैमिंग के परस्पेक्टिव से आपने उसको तैयार करना जी। इस सवाल में क्या किया जनाब, मॉर्गेजेस एंड चार्जेस में, पार्ट ए में क्या किया आप लोगों ने, ठीक है, दोनों मेंशन कर दिए, कोरम वाला पॉइंट भी, और ठीक है, और पार्ट बी में क्या किया, डिस्क्लोजर वाला ये रटा था, पैरा लॉजिकल नहीं, पहला सीम्स लॉजिकल था, इतना भी ज्यादा लॉजिकल नहीं था, मतलब मैनेजेबल था, मगर बी तो सारा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तो अब अगेन 6 में से 4, 5.5 5.25 कर ले। अच्छा जी, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 6 डुएबल था, 7 डुएबल था, 8 डुएबल था, 11 डुएबल था, 12 तो आपने वैसे देख के मुंह मरोड़ लिया होगा, उसके बाद 5 डुएबल था। आए जरा क्वेश्चन नंबर 2 पे आए, मीटिंग्स पे आए, ये भी डुएबल है, पता बहुत आसान सा एक सवाल था, चार पार्ट्स हैं और चार डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को वो टेस्ट करेगा। पहला क्या है, शफीक भाई ने एक प्रॉक्सी लॉन्च की है ऑन 10 सितंबर 5 बजे, कब होनी चाहिए थी, 48 आवर्स, तो वो कब पूरे हो रहे हैं, सुबह के 10 बजे, तो ये भाई साहब कब कर रहे हैं, शाम के, तो ये प्रॉक्सी वैलिड है, ठीक है। पॉइंट 2 में क्या किया, जब एक से ज्यादा हो जाएं तो सारी प्रॉक्सीज इनवैलिड हो जाती है। थर्ड में क्या किया, अगर आर्टिकल में आपने लिख के अलाउ किया हुआ है कि एक नॉन मेंबर आपकी प्रॉक्सी बन सकता है, तभी बनेगा, फिर अलाउ, अदरवाइज ये अलाउ, तो क्या दोनों बातें लिखी हैं, लिखी हैं क्या, कौन सी एक बार लिख दी, दोनों लिखनी थी यार, चले कोई नहीं। कितने नंबर का ये पार्ट था, 1.5 नंबर का, आधा नंबर मिल जाएगा। चौथा है क्या, क्रैमिंग, कौन कौन आपका प्रॉक्सी बन सकता है और उसके क्या क्या राइट्स हैं, बताएं। पहली बात तो वही कि मेंबर या नॉन मेंबर, नॉन मेंबर का जब आर्टिकल्स ने, उसके राइट्स क्या क्या होते हैं, तो यही अगर आप बातें सारी सिंक वे में मुझे बता देंगे, चले राइट्स तो लिखती है ना, हाँ जी, 2.5 3 4 5 6 6 में से कितने 4 3 4 4 4। ब्लू ब्लैक के साथ क्या किया, दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ब्लू ब्लैक लिमिटेड एक ऐसा डायरेक्टर जो कि कैसे आया, थ्रू कैजुअल वैकेंसी, और एक ऐसा जो कि थ्रू इलेक्शन आया, दोनों को आपने अगर निकालना हो तो मिनिमम कितने वोट्स उनके फेवर में नहीं चाहिए। व्हाट अबाउट कैजुअल वैकेंसी, मुझे फिगर बताएं जो आपने निकाली है, 187 पक्की बात, मिनिमम कैजुअल वैकेंसी के लिए, लाइट ग्रे वाज योर कैजुअल वैकेंसी, उसको निकालने के लिए कितने वोट चाहिए थे बताएं,
उसको निकालने के लिए कितने वोट चाहिए थे मुझे फिगर बताएं। सिर्फ हमने लिखा फिगर लिखी ही नहीं, ज्यादती है। जब सवाल आपको फिगर्स दे रहा तो आपको फिगर्स निकालनी चाहिए थी। क्या किया लाइट ग्रे के साथ? किसी ने तो फिगर निकाली होगी हमें से। 10 मिलियन कहाँ से निकाल लिया आपने फिगर? नहीं, नो। बताएं टोटल नंबर ऑफ वोट्स लास्ट इलेक्शन में कितने पड़े? लास्ट टोटल 2400 और कितने डायरेक्टर्स पिक हुए थे? 8। ऑन एवरेज कितने हो गए? कितने हुए? 3 लाख। तो कैजुअल वैकेंसी को अगर आपने रिमूव करना है तो कितने वोट्स इसके फेवर में नहीं आने चाहिए? 3 लाख से ज़्यादा। अगर 3 लाख से ऊपर इसकी फेवर में आ गए तो ये स्टे करेगा, 3 लाख से नीचे आए तो ये स्टे नहीं करेगा। तो ये 3 लाख की फिगर किसने नहीं निकाली? माशाल्लाह। अभी पॉइंट समझ आ गया? एंड व्हाट अबाउट लाइट, ये डार्क पर्पल, इसके लिए कितने आपको वोट्स चाहिए? जो सबसे कम, और सबसे कम कितने हैं? और ये कैसे आया 187500? टोटल हमारे पास कितने थे? 2400000, 6 लाख, 3.5 लाख, 4.80 और 2.20 को जब मैं ऐड कर दूं मेरे पास आंसर क्या आएगा? 1650000 माइनस करें आंसर आएगा 7.5। उसको 4 भी डिवाइड कर दें क्योंकि उसने क्या कहा है कि चारों को इक्वल मिले हैं। तो ये आता है पर डायरेक्टर 187500। तो मिनिमम इतने वोट्स इसकी फेवर में चाहिए तो ये स्टे करेगा, अगर इससे कम वोट्स आए तो ये स्टे नहीं करेगा। तो ये आपने वर्किंग के साथ साबित करना था। तो इसका मतलब है कि सवाल तो बढ़ गए। एक और सवाल बताया इसमें कि हु इज रिस्पॉन्सिबल टू फिल द कैजुअल वैकेंसी बोर्ड इन हाउ मेनी डेज? 90 डेज। तो एक नंबर ये तो आपने हासिल कर लिया होगा, ये एक नंबर हासिल कर लिया था, ये किया था हासिल एक नंबर, इतने परेशान क्यों हैं? उसके बाद 3 नंबर और 4 नंबर के लिए आप लोगों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया सवाल का। तो यानी कि 8 में से कितने, 2 या 3? 6 तो नहीं, 2। आप लोगों ने सवाल ही खराब कर दिया। 2 तो एक नंबर का ठीक किया होगा ना? अच्छा वो ठीक कर दिया, फिगर निकाली थी। अच्छा अगर फिगर निकाली है फिर तो ओके। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 4? इतने सारे पार्ट्स आपको दे दिए, ये तो हुआ नहीं। हाँ जी, पहले में क्या किया? Our director has recently disposed of his shares and due to this disposal, his directorship status is also no more. आपसे पूछ रहा था वो डायरेक्टर जिनका शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं है, तो वो कौन से होते हैं? CEO, employee director, nominee, जो गवर्नमेंट से आया हो या जो क्रेडिटर से आया हो या एम्प्लॉय वाला पॉइंट। तो ये 3 नंबर के लिए आपने 3-4 बातें उठा के लिख देनी थी। आर डायरेक्टर इज प्लानिंग टू असाइन हिज डायरेक्टरशिप टू हिज ब्रदर हु वांट्स टू ज्वाइन दैट सीट फॉर सम मंथ्स, बट कंपनीज एक्ट ने एक्सप्रेसली प्रोहिबिट कर दिया कि तुम अपनी सीट अपने भाई को या किसी और को नहीं दे सकते। अनलेस क्या? वो मुल्क से बाहर जा रहा हो फॉर मोर देन 90 डेज, तो उस केस में ऑल्टरनेट डायरेक्टर को लेके आया, उसका एक और नाम भी होता है। 3 नंबर के लिए ये ऑल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट वाली बात लिख दी है। आर डायरेक्टर वांट्स टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी फॉर सप्लाई ऑफ हिज ओन मर्चेंडाइज टू द कंपनी ऑन
मार्केट रेट्स, बट ही हैज ओनली टेकन अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर्स एंड नॉट द मेंबर्स. कि मेंबर्स की जरूरत भी थी क्या? इसमें सेक्शन 208 आपने लगाया या नहीं लगाया? सेक्शन 208 कौन सा था बताएं? सवाल क्या है? डायरेक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट करना है कंपनी के साथ जिसमें वो अपनी ही मर्चेंडाइजेस को बेचना चाहता है ऑन मार्केट रेट्स. ये वर्ड बहुत जरूरी था. अगर तो मार्केट रेट है तो मेंबर से पूछने की जरूरत नहीं है. और अगर मार्केट रेट्स आगे पीछे हो, क्योंकि अगर मार्केट रेट है इट मींस कि ट्रांजैक्शन नॉर्मल कोर्स में हो रही है और आर्म्स लेंथ में हो रही है. अगर ये आर्म्स लेंथ में ना हो तो फिर मुझे मेंबर से पूछना पड़ेगा. कंपनी हैज ऑफर्ड टू पोजीशन ऑफ चेयरमैन टू द एग्जिस्टिंग सीईओ व्हिच इज वायलेशन ऑफ लॉ. कोई एक्सेप्शन ध्यान में आती है? कौन सी? एससीपी कहती है कि अगर वो कंपनियां जो कि हम बता देंगी वहां पे ये दोनों बंदे एक सॉरी दो पोजीशंस एक बंदा होल्ड कर सकता है, तो अगर ये उन कंपनीज में से है तो अलाउ है, अदरवाइज ये चीज अलाउ नहीं. मुझे लगता है ये सवाल भी आपका हल्का हल्का सा हुआ. सही, एक एक क्या एक तो वाइज है. An independent director of a listed company shall have claimed that he shall not be liable for such checks, जो कि इसके नॉलेज में नहीं है. सही कह रहा है, ये सही कह रहा है. और कब लायबल होगा? जब इसके नॉलेज में. A member have claimed that company is not preserving the books of meeting for 20 years and hence it is violating the law. 10 साल. तो ये 10 साल वाला रूल था. वो क्या कह रहा है? उसको बताएं कि भाई अकल के अंधे 20 साल नहीं, कितने साल है? 10 साल. अच्छा, डायरेक्टर्स है फिक्स नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड एज 14 एग्जैक्टली 39 डेज बिफोर एजीएम. ये सही है? 39 डेज 35. और क्या बाद में चेंज किया जा सकता है? मेंबर्स कर सकते हैं, मेंबर्स कर सकते हैं. मेंबर मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके उसको चेंज कर सकते हैं. आर डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट कंपनी हैड एन इंटरेस्ट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंपनी एंड हैवंट डिस्क्लोज्ड हिज इंटरेस्ट, और उसने पार्टिसिपेट भी कर दिया. ये तो आसान था, प्राइवेट बंदा कर सकता और वोटिंग भी करेगा प्राइवेट में. क्या ये प्राइवेट कंपनी है? हाँ ये प्राइवेट कंपनी है. तो अच्छा, क्या ये मीटिंग अटेंड कर सकता? क्या अटेंड करके कुछ कह भी सकता है या साइड में कोने में उसको बिठाया होगा? कोने में बिठाया होगा, वो कुछ बोल नहीं, मगर मीटिंग वो अटेंड किसी पे इन्फ्लुएंस भी कर सकता? नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये इन्फ्लुएंस कर रहा है इट मींस अच्छा जी, 4 हो गया. 4 में कितने मार्क्स? 3, 6, 9, 12, 20. हाँ जी, कितने? 8, 9 आ जाएंगे. कितने आएंगे? 7, 8, 5, 6, 2, 3, 16, 10, 12. मैं तुक्के लगाई जाए, 10, 12, 16, 20, 15. अच्छा, एक चीज़ नोट कर लें. अब आप तो खैर बड़े हो गए हैं, मगर अभी भी मुझे पता है कि आप में वो बचपनी वाली आदत तो हमेशा से होती है. आप लोग मिनिमम कितने पेपर दे रहे हैं? 2 मिनिमम. 2 होंगे, किसी का कोई एक पेपर हो, यानी कि सिर्फ वो सीलॉ के लिए जा रहा हो. कोई है ऐसा बच्चा? नहीं. प्लीज़ कोशिश ये करनी है कि एग्ज़ाम के बाद आके एमसीक्यूज़ को डिस्कस नहीं करना. परेशान तो नहीं हो गए? क्यों नहीं करना? क्योंकि किसी को नहीं पता कि ठीक आंसर कौन सा. आप अपनी सोच से ए लगा के आए हैं, आपका दोस्त किसी को देख के बी लगा के आ गया और वो बाहर आके कह रहा है कि जनाब बी ही ठीक है और ए ठीक नहीं है, तो आपके अगले पेपर ख़राब होने शुरू हो जाएंगे.
क्योंकि आपके जहन में सोच बैठ जाएगी यार मेरे ना चार MCQs गलत हो गए, अगर वो चार ठीक हो जाते ना तो मैं पेपर पास कर जाता। यानी कि इस सोच के साथ फिर आगे आपसे पढ़ा नहीं जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इल्तजा है कि एक दफ़ा पहले पेपर पूरे कर लें, उसके बाद बैठ के सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाएं, हमें सलूशन दो, ये करो वो करो, मगर उससे पहले अगर आपको कोई सलूशन मिल भी जाए तो आपने उस पर भरोसा नहीं करना। खामखा अपने सही किए हुए को भी आप लोगों ने गलत मानना शुरू कर देना और गलत किए हुए को आप लोगों ने सही मानना शुरू कर देना, जिससे अगले पेपर्स आपके इफेक्ट होंगे। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, इल्तजा है, गुजारिश है कि आपने ये काम नहीं करना। अच्छा जी, सिक्स हो गया था, सिक्स हो गया था, नाइन के बारे में क्या हालात था? ये तो आसान था, ये टाइप टू सवाल है, ऐसे ही है ना, रिटर्न के बारे में बताना है, डेट्स आपसे मांग रहे हैं रिटर्न की, और नीचे वो ये तो बचवाना सवाल आ गया। टेन में क्या किए? ऑब्जेक्शन है। चैप्टर कौन सा है टेन वाला? चैप्टर फाइव का एक सफ़ा आपने उठा के यहाँ पे छाप देना था, वो पूरा एक सफ़ा। आप मुझे बताएं, नाइन टेन ये बंदे 12 नंबर के सवाल, 12 में से 8, पता है सीलो पास करना बड़ा आसान है अगर आपकी क्रैमिंग अच्छी हो। क्यों? अच्छी क्रैमिंग के साथ टाइप वन सवाल तो हो ही जाएंगे, टाइप टू ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, और टाइप थ्री में भी आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। एक आधा सवाल ऐसा होता है जो कि एग्जाम में तंग करेगा, जिस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 था, क्या किया बस इसका? क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। इसका सलूशन जब आपको मिलेगा ना, ये आपने तसल्ली से देखना, टाइम शॉर्ट है वरना मैं बोर्ड पे करवाता, जुम्मे का वक्त हो रहा है, तो इसका सलूशन आपने क्या करना है, ध्यान से तवज्जो के साथ देखना है। अगर कोई इशू आए तो व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा कि सर ये हुआ तो वैसा क्यों। मैं उसे बता देता हूँ, बिटवीन डीएल एंड बीपीएल इनका आपस में रिश्ता है, होल्डिंग और सब्सिडरी का, और बिटवीन सीपीएल और एएल इट शैल बी डीम्ड टू बी द सब्सिडरी, क्योंकि ये कंट्रोल कर रही है खुद भी और इसके साथ सब्सिडरी से मिला के भी वो कर रही है। होली ऑन तो किसी में नहीं आ रहा, चेक कर लेता हूँ होली, हाँ ठीक है सेकंड में है, सेकंड में होली ऑन है, मगर वो कंबाइन करके 100% पूरा होता है। ठीक है, ठीक है जी। तो अगेन जो गुजारिश आपसे यही करनी है, एक अच्छा मुनासिब सा ब्रेकफास्ट करके जाइएगा एग्ज़ाम के लिए, जाके पैनिक नहीं होना। एग्ज़ाम सेंटर में जाके बच्चों से ये नहीं पूछना चाहिए यार तूने कितना तैयार किया, ये काम नहीं करने। अगर आपको अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा आता है दूसरे से तो वहाँ पे जाके शोखियाँ नहीं मारनी, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में बैठ के वो चीज़ आपको बड़ी आसानी से बोल सकती है। जितने आसान सवाल आते हैं वो पहले घंटे में ऑप्ट करें। और मैं अभी देख रहा था कि बच्चों ने ना कटिंग की हुई MCQs में, MCQ अगर तो आप डेड श्योर हैं कि इसका आंसर सी है तब लिखिएगा, सी लिख के काट के डी करेंगे तो वो डी बेशक ठीक क्यों ना हो गलत हो जाएगा। और MCQ में भी सिर्फ आपने ऑप्शन लिखनी होती है, पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखनी। ऑल दो आप लोगों ने इससे पहले बीलॉ का पेपर दिया होगा, आपको बातें पता होनी चाहिए, मगर फिर भी बताना हमारा फर्ज। और कोई जनरल सवाल रिगार्डिंग कंपनी लॉ? ऐसी स्ट्रेटजी ऑप्ट क्यों की शुरू में? अच्छा, कॉस्ट के बाद सीलो का, तो क्या किया जाए? तो वो टैक्स वाले से पूछे, कॉस्ट के बाद अगर सीलो है तो चैप्टर 12 कम से कम क्या करना चाहिए? वापस आ गए चैप्टर 12 3 8 10, ये तो फॉर श्योर किए जाने चाहिए, क्योंकि इनमें से अगर आपने कभी गौर किया हो तो मोर देन 50% पेपर है 3, 8, 10 और 12, ये है कैटेगरी 1। फिर आए कैटेगरी 2 पे, सेकंड, 6, 2, 6, 9, 11 और जो रह गया वो कैटेगरी 3। यानी कि पहली कैटेगरी को बड़ा अच्छे से तैयार करना है, सेकंड कैटेगरी को उससे थोड़ी सी कम
से किया जा सकता है टाइम को देखते हुए। और थर्ड के अगर सिर्फ सवाल ही देख के चले जाओ मुनासिब है। वो आपके पास एक 36 सवालों का पर्चा आया होगा, 36 सवाल जो हाथ से लिख के करने हैं, बेंचमार्क क्वेश्चंस है ना, तो वो कीजिएगा, वो आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस पूरे चैप्टर पे करवा देंगे। अगेन किसी और इंस्टीट्यूट का मॉक भी अटेम्प्ट करें, वहाँ से भी अपनी गलतियाँ तलाश करें, क्योंकि मॉक एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि आपको आपकी गलतियाँ आइडेंटिफाई करवाती है, ना सिर्फ SBI का बल्कि किसी भी और कॉलेज का। अटेम्प्ट करें, सोल्यूशन लें, अगर तो वो चेक करके देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर चेक नहीं भी करके दे रहे तो आपने कम से कम सोल्यूशन लेके अपने आप को सेल्फ असेस ज़रूर करना है। और इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप दो दोस्त बैठें, दोनों करें अटेम्प्ट और आपस में दूसरे को दें चेक करने के लिए, उससे एक और फ़ायदा मिलेगा, आपकी अप्रोच थोड़ी सी एग्जामिनर वाली बनेगी, कि अगर आप एग्जामिनर बन के पेपर को चेक करें तो आप कहाँ कहाँ में नंबर काटेंगे, कहाँ कहाँ में नंबर नहीं काटेंगे, तो वो गलतियाँ आप अपने पेपर में फिर नहीं कर रहे होंगे। ठीक है जी, स्टिल अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, नंबर तो मेरा आपके पास होगा। Yes, बस ठीक है, नहीं है लिख लें फिर 03000006-7262। तो पूछिएगा, बताइएगा, एंड आई विश यू ऑल द लक, ऑल द बेस्ट। जुम्मे का वक्त हो रहा है, आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, अल्लाह हाफिज़। 03000006-7262, ठीक है जी, रब रखा।